स्टूडेंट्स देखेंगे, पिछली क्लास में हमने स्टाफिंग पढ़ा था, ठीक है। तो स्टाफिंग में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए राइट प्लेस पे चुनना। और इसमें क्या होता है कि लोगों के स्किल्स को, ट्रेनिंग को सब बढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। और हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, इनमें से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो। फिर हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये कम्पिटेंट पर्सनल को लाने में मदद करता है, हमारी परफॉर्मेंस को, यानी कि जो एम्प्लॉयज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, क्योंकि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा जाता है। अच्छा, ये बिजनेस को सर्वाइव करने में भी मदद करता है, क्योंकि जैसे जैसे जगह खाली होती है, हम स्टाफिंग के थ्रू उस प्लेस को हम लोग फिल करते रहते हैं और उनको प्रॉपर डेवलप करते हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होता है। फिर हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है। और एक पॉइंट हमने पढ़ा था, जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये जॉब मिलती है, हजारों लाखों लोगों में एक का सिलेक्शन होता है। तो जो भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है, बेसिकली वो बहुत ज्यादा अपने जॉब से सेटिस्फाई होता है और वो कभी छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने इसके बाद स्टाफिंग प्रोसेस पे आ गए थे, और ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कुछ तो पढ़ लिया। सबसे पहले ये ध्यान लेना जरूरी है कि स्टाफिंग होते समय, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो स्टाफिंग करते समय हमें ये प्रोसेसेस से गुजरना होता है, ये जो नीचे देख रहे हैं आप पॉइंट्स। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि पहले हमें ये पता लगाना पड़ता है कि कितने लोगों की जरूरत है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके लिए हमें दो चीजें करनी पड़ती है, नंबर वन वर्कलोड एनालिसिस, नंबर टू वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हमें ये पता लगाना होता है, एसेस करना होता है कि कितने लोग हैं और कितने तरह के लोग हैं हमारे पास। नंबर टू हमें वर्कफोर्स एनालिसिस करना होता है, इसमें हमें ये रिवील करना होता है कि कितने तरह के, मतलब कितने लोग और किस तरह के लोग हमारे पास इस समय मार्केट, मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। वर्कलोड एनालिसिस में कितना नेसेसरी है ये पता करा जाता है कि कितने तरह के लोग, कितने नंबर ऑफ पीपल और कितने टाइप ऑफ पीपल की हमें जरूरत है। और वर्कफोर्स एनालिसिस में सिर्फ हमें ये पता करना पड़ता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है कितने, ठीक है, 10 हैं, 50 हैं, 40 हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, रिक्रूटमेंट में मैंने बोला था कि सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, यानी इसमें कितने लोगों की जरूरत होती है, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, ये हमें इसके लिए होता है। ये स्टिमुलेट करते हैं, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आइए जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप एडवर्टाइज कर दो, आप फॉर्म निकाल दो, फॉर्म है ना मार्केट में, और लोग आएंगे। इसके लिए आपको ना, मतलब एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। जैसे स्कूल्स में देखते हैं आप, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप देखो, कई स्कूल्स जो है फॉर्म में लिख के रहते हैं, हमारे पास इतनी हमारे पास ये प्ले ग्राउंड है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, और मतलब बहुत सारे मतलब अट्रैक्टिव चीजें लिखते हैं, हमारे रिजल्ट इतना अच्छा। तो इससे क्या होता है कि लोगों को बुलाया जाता है, आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके जुड़िए, सिर्फ इसका यही काम होता है। कॉलेजेस में आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस जारी होता है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड कॉल्ड, बट जरूरी नहीं है कि सभी को लिया जाए। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था सिलेक्शन, सिलेक्शन थर्ड प्रोसेस है, इसमें हमने पढ़ा था कि राइट पर्सन को चुना जाता है, ये नेगेटिव प्रोसेस है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि इसमें क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है। जो अब जैसे मान लो 10 की वैकेंसी है और 1000 एम्प्लॉई आ गए, तो क्या आप सबको रख लोगे, क्या यहाँ पे सबको रख लेंगे तमन्ना में, नो सर, 10 को ही चुनेंगे 1000 में से। ठीक है, तो जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उतने ही लोगों को चुनेंगे, राइट। तो ये इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाता है, ये कहा जाता है कि स्क्रीनिंग स्टेप है स्टाफिंग का। फिर हमने पढ़ा था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इसमें मैंने कहा था कि जब एक बार हम चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट में क्या तरीका होता है, कहाँ पे उसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये प्लेसमेंट का तरीका है। तो हम उसी तरह से उसको प्लेसमेंट कर देते हैं कि कौन से जगह पे उसको रखा जाए, कौन सा मतलब डिपार्टमेंट उसको दिया जाए। और उसके बाद ओरिएंटेशन किया जाता है, ओरिएंटेशन मैंने बताया था कि ओरिएंटेशन में 2-3 दिन तक उसको फ्रीली छोड़ दिया जाता है, भाई ऑर्गेनाइजेशन में घूमो, पता लगाओ आपके लायक है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन, कैंटीन में घूमो, एम्प्लॉयज से बात करो, ठीक है। और इस पर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और ओरिएंटेशन के ना, पता है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है ओरिएंटेशन करने का। जैसे कि मैंने अभी कल, टाइम हमारे पास कम पड़ गया था, तो मैं आपको बताऊं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना ओरिएंटेशन का बहुत अलग अलग यूनिक यूनिक तरीका होता है।
आपको मैं बता रहा था आर्मी का, मैंने वहाँ थोड़ा सा बताया था आपको कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जब मैं जोधपुर था तो वहाँ पे इन्फेंट्री एक यूनिट होती है आर्मी में, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं ना जब एनडीए के थ्रू सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको भी पता है ट्रेनिंग होती है उनकी, और ट्रेनिंग होने के बाद उनका पहला जो अपॉइंटमेंट होता है, पहला जो उनको दिया जाता है ना कहीं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक उनको डिपार्टमेंट दिया जाएगा कि भाई आपको यहाँ जाके इस यूनिट में ज्वाइन करना है, तो जो उनकी फर्स्ट यूनिट होती है वहां पे उनका ओरिएंटेशन कराया जाता है। और आपको जान के अजीब लगेगा, ओरिएंटेशन का बहुत यूनिक तरीका होता है इनका, मैंने देखा था जब तो स्टेशन पे ही वो ओरिएंटेशन हो रहा था, वहां पे क्या होगा जो ऑफिसर होगा उस यूनिट का सबसे, वो आके उसमें मतलब व्हीकल में बैठा रहता है, और जब वो आते हैं तो उनको रिसीव करके लाते हैं, जो मतलब आप ये समझ लीजिए ऑफिसर है, यंग ऑफिसर है, ज्यादा वो एज होती नहीं है, आपको भी पता है एनडीए जो है 12th पास आउट बच्चे ही रहते हैं, तो 3 साल के बाद उनकी एज हार्डली 21 ईयर 22 ईयर रहते हैं, तो ऐसे बच्चे रहते हैं, मतलब बहुत ही कम एक्सपीरियंस होती है उनको। तो आया और उसको उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग जो है लिक्वर दिया, उन्होंने ऑफर किया विस्की कैसे, तो बहुत ही स्ट्रांग थी वो, मतलब पता किया मैंने बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, और बिना वाटर के ही उसको पीना होता है, अगर वो वॉमिटिंग कर रहा था लगातार कंटिन्यू, एक ड्रिंक पीता वॉमिटिंग करता बाहर आके व्हीकल से, फिर उसको फिर कुल्ला उल्ला कराते सब मुंह हाथ मतलब फ्रेश करके दोबारा से ऑफर करते, ये ले भाई पी, वो पागल हो गया था, लाल पीला हो गया था एकदम। अब मैं वही सोच रहा था बैठे बैठे कि भाई ये बस भी करो अब रहने दो, अब उसको एकदम नशा हो गया था भयंकर वाला, अब वो वहां पे वो उसने हाथ खड़े कर दिए, एम आई ऑडिबल क्लास? यस सर। हाँ, तो उसने हाथ खड़ा कर दिया, फिर मैंने पूछा वहां पे मतलब और ऑफिस जो थे मतलब आर्मी पर्सनल ये क्या होता क्या है, पता लगाया मैंने तो पता चला भाई वो जाते हैं ना जब वो यूनिट तो उनकी मतलब बहुत बुरी हालत कर देते हैं वो लोग, उनको पहले तो जो है आर्मी ऑफिसर्स की जो वाइफ्स होती हैं वो उनको फिर टॉर्चर करेंगी बुरी तरह, ठीक है, और फिर पार्टी होती है, सारा खर्चा उसको खुद बियर करना पड़ता है, तो मतलब एक तरह से पनिशेबल एक्ट हो जाता है उसके लिए, ठीक है, लेकिन ये है कि उसी दौरान वो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, पूरा यूनिट के बारे में पता चल जाता है, आप समझ रहे हो ना, ऑफिसर्स की वाइफ्स और उनके फैमिली मेंबर्स सबसे मतलब एक तरह से यूं कह लो कि मिल ही लेता है वो सब, पता चल जाता है कौन कितना बुरा हो सकता है, और मतलब एक एक्साइटिंग भी है, कई लोग आते हैं उसमें जबरदस्त रहते हैं, वो पहली बार में क्वालिफाई कर जाते हैं, वो पूरा ड्रिंक कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, बेहोश हो जाओ लेकिन मतलब हारो मत, क्विट मत करो, नहीं तो बहुत बुरी तरह से ओरिएंटेशन होता है, तो ये एक मैंने एक सिंपल एक आपको आर्मी का बताया, ऐसी हर जगह का अलग अलग होता है ओरिएंटेशन, ठीक है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओरिएंटेशन करता है, तो क्या ओरिएंटेशन सही है क्लास, यस क्या कॉलेज में भी ओरिएंटेशन होता है, आपके भाई बहन ने बताया होगा कॉलेज में रैगिंग होती है कि नहीं क्लास, मेरी आवाज आ रही है बेटा? होती होती होगी। है, हाँ होती है, अब गवर्नमेंट ने काफी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, कई बार आत्महत्या भी कर लेते थे, इतना टॉर्चर कर देते थे सीनियर्स, तो अब नहीं होती, हमारे टाइम तो बहुत बुरी तरह से करते थे रैगिंग, सीनियर्स बहुत परेशान करते थे, ठीक है, तो अभी आप देखोगे अभी भी आप कहीं कॉलेजेस में ज्वाइन करोगे तो थोड़ा बहुत तो तंग करते ही है, सीनियर आपको बोलेंगे गाना गाओ कोई कविता पढ़ो मतलब मजाक उड़ाते हैं, तो इससे क्या होता है फ्रेंड सर्कल बन जाता है, मतलब आपका कॉलेज का पहला दिन इमेजिन करो और आपको सीनियर्स आके तंग कर रहे हैं, ठीक है, कि उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं, तो एक थोड़ा एक्साइटिंग भी हो जाता है, अब जिसका नंबर लग जाता है वो तो बेचारा टेंशन में आ जाता है, बाकी जो दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं वो उसको एंजॉय करते हैं, तो यही ओरिएंटेशन है, इसमें क्या होता है फेमिलियराइजिंग विद द रूल्स, वहाँ के रूल्स के हिसाब से फेमिलियराइज कराते हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स ये सब कुछ वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट्स आगे बढ़े जाते हैं, नेक्स्ट देखो इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये चार प्रोसेस मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा, अब नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग मीन्स गिविंग एक्सपर्टाइज, जो आप जॉब कर रहे हो उसमें आपको एक्सपर्टाइज दिया जाता है, यानी कि उसको नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग
Training refers to the process by which the aptitude, skills and abilities of the employers to perform the specific job are improved. देखो मैं आपको सिंपल कर दूं इसको. ट्रेनिंग जब दी जाती है ना, तो जिस जॉब को आप करने वाले हो ना, उसी जॉब से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाए. ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आपके ना आर्ट को और इंक्रीज किया जाता है. मतलब आपके अंदर स्किल्स हैं, तभी तो आपको जॉब के लिए चुना है, लेकिन आपके उस आर्ट को और बढ़ाया जाता है. कैसे? आपको तरह तरह की नॉलेज दी जाएगी, टेक्निकल स्किल्स आपका डेवलप किया जाएगा. ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. और आप हमेशा याद रखना, ट्रेनिंग जो है न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज की भी दी जाती है और जो एग्जिस्टिंग है उनकी भी दी जाती है. ऐसा मत समझना कि जो पुराने वाले एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती. आप घर पे ही आपने देखा होगा, आपके मदर फादर अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और तो जब भी उनका नया प्रमोशन होता है तो उससे पहले उनकी ट्रेनिंग होती है. तो वो ट्रेनिंग हर समय दिया जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रेनिंग कर ली लाइफ में तो कभी करोगे नहीं. अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में, तो अगर मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हैं आप, तो उसके लिए ट्रेनिंग करके ऑब्वियसली बने हो. फिर नेक्स्ट प्रमोशन आपका आता है तो उससे पहले ट्रेनिंग जरूर होती है, और बीच बीच में आपने देखा होगा ट्रेनिंग कराई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में. हाँ, ये है कि नए वाले एम्प्लॉयज को ज्यादा ट्रेनिंग कराई जाती है और उनको पूरा सिखाया जाता है, उनको मतलब उसी तरह से स्किल्स डेवलप किया जाता है जैसे वो जॉब में जब जॉब करेंगे तो वैसे ही उनको बना दिया जाता है, जिससे कि वो मतलब वहां जाके उनको दिक्कत ना हो. तो ट्रेनिंग में हमने क्या सीखा? ट्रेनिंग में हमने सीखा कि जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट आप जा रहे हो, जिस तरह के जॉब को आप करने वाले हो, उसी तरह से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है और वैसे ही कल्चर आपके अंदर क्रिएट किया जाता है. जैसे मान लीजिए आप ऑफिसर हैं, जैसे आर्मी का अगर जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जैसे एनडीए में जो चुने जाते हैं ऑफिसर, तो उनको बहुत अलग तरीके से स्किल सिखाई जाती है. हर तरीके मतलब उनको कैसे बिहेव करना, उनको मतलब हर तरह सिखाया जाएगा. आप देखो उनको डांस करना भी सिखाया जाता है. ठीक है, और आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में ये एनडीए का वो खत्म हुआ था तो कैप्स उछालते हैं, देखा होगा न्यूज में दिखा रहे थे. देखा था किसी बच्चे ने न्यूज में जो एनडीए के जो पास आउट हुए थे इस बार, पास आउट पर किसी ने नहीं देखा होगा. कोई है एस्पिरेंट जो एनडीए में जाना चाहता है अपनी क्लास का? अरे भाई, कोई देश की सेवा करना चाहता है इंडियन ऑफिसर्स के लिए नेशनल अकेडमी में? कोई है तो हैंड रेज कर लो, बोलने में शर्म आ रही है तो आनी तो नहीं चाहिए सर. बहुत कम कैंडिडेट्स लिए जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, नहीं है कोई भी. बहुत खराब लगा देख के, हर बैच में तो रहते थे बच्चे, इस बार पहला बैच है जिसमें कोई बॉयज या गर्ल्स इंटरेस्टेड नहीं है. बेटा हैंड रेज करना, देखूं जरा कितने बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं एनडीए में जाने के लिए. देख रहा हूँ बेटा, कोई भी नहीं है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, बॉयज गर्ल्स किसी ने नहीं. बहुत अच्छा, अनएक्सपेक्टेड है. चलिए, कुछ नहीं कह सकते, स्पीचलेस हूँ. ठीक है, तो ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है. चलो मैं बता देता हूँ ट्रेनिंग में क्या है. जैसे आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन जब दिया जाता है ट्रेनिंग, तो कभी भी आप देखेंगे ना उनके, जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, सबको परेड कराया जाता है आर्मी में. क्यों परेड ही क्यों कराया जाता है? जिससे कि उनके अंदर जो है डिसिप्लिन आ जाए, एक साथ कैसे चलना है, कदम से कदम मिला के. आपने 26 जनवरी में देखा होगा परेड, तो कदम मिला के इसलिए चलते हैं क्योंकि वो एक यूनिटी का वो है. और फिर कभी वार में जाएंगे ना तो एक साथ उनके कदम मिलेंगे, तो सामने वाले दुश्मन को ये नहीं पता चलेगा कि कितने हैं. ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कभी वार भी होता है तो सब एक साथ मार्च करते हुए जाते हैं. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि सामने वाले दुश्मन को ये ना पता चले. तो इसको दिन भर, मतलब आप ये देखो 3-4 महीने जब भी ट्रेनिंग होगी लगातार कराया जाता है, उनके अंदर डेवलप हो जाता है, वो ऐसे ही एक साथ चलना शुरू कर देते हैं. तो कभी भी आप ये कल्चर आ जाता है. फिर उठना बैठना कैसे रहना है, ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, कैसे बात करनी है, ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. ये सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली उसके जॉब पे दिखता है. तो ट्रेनिंग क्या करते हैं बेसिकली, ट्रेनिंग में जिस जॉब से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हो वही चीज आपके अंदर सिखाई जाती है. बाहर की चीजें जो है अगर सिखाई जाए तो वो डेवलपमेंट होता है. तो देखो डेवलपमेंट भी समझ लेते हैं क्या होता है. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ही चीज है. बिल्कुल गलत. ट्रेनिंग जो है एक माइंड, मतलब आप उसको कम मान सकते हो क्योंकि वो सिर्फ उसमें वही चीजें सिखाई जाती हैं जो आपके जॉब पे काम आएंगे. लेकिन डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है. डेवलपमेंट में क्या किया जाता है बता रहा हूँ. देखो डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है कंपेयर टू ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के मुकाबले ये बहुत ज्यादा बड़ा माना जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना
आदमी की स्किल्स और एबिलिटीज को इसलिए बढ़ाया जाता है कि आगे चल के अगर कोई नया जॉब ले या कभी फ्यूचर में कहीं और काम करे तो उसके काम आ जाए। मतलब ये सोच के नहीं कराया जाता है कि हमारे ही कंपनी में अच्छा रहेगा, ये सोच के कराया जाता है कि कल को अगर ये कुछ और पोस्ट पे जाना चाहे, कोई नया मतलब जॉब करना चाहे, तो ये इसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो फ्यूचर के लिए ट्रेन किया जाता है, फ्यूचर के लिए। इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉई को मोटिवेट भी करता है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता भी। तो आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर चुन लिए जाते हैं तो आपको ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, आपको फॉरेन कंट्री भेजा जाता है, आपके जॉब को और इंकल्केट किया जाता है। तो आप खाली आप जिस जॉब को कर रहे हो वही नहीं सिखाया जाता, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो आपके पर्सनल लाइफ में काम आ सके, समझे। जैसे आप देखेंगे एनडीए में या आप देखेंगे नेवी के अंदर एक बकायदा कोर्स होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर उनको खाना वाना बनाना सिखाया जाता है, ठीक है। कल को बाई चांस मान लो अकेले रहे या घर गए तो खाना को कैसे बनाएंगे, बच्चों ने डिमांड कर दिया भाई पापा खाना बनाओ तो कैसे खाना बनाएंगे, तो उनको पूरा एक बकायदा वो मिलता है, होटल का जो बहुत बड़ा होते हैं ना बनाने वाले, वो लोग प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। क्लास हाँ, ये अगर मान लो अब आपको ये पता है ना, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर देखिए क्या आर्मी में, मतलब आप देखोगे अगर आप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका कोई खूबी है, कोई अच्छी चीज है, तो आपको उस स्पोर्ट्स में आप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जैसे आपको घुड़सवारी अच्छी लगती है तो आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम आप ले सकते हैं अपना ये वाला, और ऑर्गेनाइजेशन आपकी पूरी मदद करेगी, सारा खर्चा खुद भरेगी, आपको घोड़े प्रोवाइड कराएगी, कोचेस प्रोवाइड कराएगी। इसी तरह से आप देखेंगे जो जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है आप देखो ओलंपिक में मेडलिस्ट रहे, क्यों रहे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग की। अब उनका जॉब ये तो नहीं था लेकिन उनको डेवलप किया गया और मतलब आगे उनका देखो प्रोस्पेक्ट कितना अच्छा है, अब मिनिस्टर बन गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में है कि नहीं। कौन सा पद है इस समय, नहीं पता, पता करना। आगे बढ़े क्लास, तो हमने कौन कौन सा पॉइंट पढ़ लिया बेटा, एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जल्दी। पहला हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग के प्रोसेस। पहला प्रोसेस हमने पढ़ा कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें पता लगाया जाता है कितने लोगों की जरूरत है और कितने लोग हैं। दूसरे नंबर पे पढ़ा रिक्रूटमेंट, जिसमें अट्रैक्ट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए आए। तीसरा हमने पढ़ा सिलेक्शन, जब ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए आ जाते हैं तो उनमें से एक दो तीन या जितने लोगों की जरूरत है सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं, ये नेगेटिव प्रोसेस। फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, वंस द पर्सन इज सिलेक्टेड तो उसको प्लेसमेंट किया जाता है उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से, और ओरिएंटेशन किया जाता है उसको, लोगों से मिलवाया जाता है, फैमिलियराइज कराया जाता है रूल्स पॉलिसीज कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कि वो खुद डिसाइड कर सके कि वो रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। जब वो खुद डिसाइड कर लेता है कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता हूँ और मेरे लिए एकदम बेहतरीन है, तो वो टिक जाएगा, वहाँ टिक जाएगा तो उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने का काम शुरू कर। हमेशा याद रखना पहले ओरिएंटेशन होता है तभी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग में क्या है उसे नए नए स्किल्स सिखाएंगे, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और उसको मतलब जिस जॉब से रिलेटेड उसको रखा गया वो स्किल्स सिखाएंगे और उसकी नॉलेज को और बढ़ाएंगे। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें उसको अदर देन द जॉब, जॉब के अलावा दूसरा चीजें सिखाया जाएगा, खाना बनाना, उठना बैठना, पार्टी अटेंड करना, डांस करना, ठीक है, और सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है कि उसका इंग्लिश स्पीकिंग बेहतरीन कराया जा सकता है, ये सब चीजें उसको सिखाई जाती है। फिर आ जाता है नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है जब एम्प्लॉई को जब ट्रेनिंग वगैरह दे दिया जाता है तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, उसे इवेल्युएट किया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग करते समय क्या वो खड़ा उतर रहा है, क्या हम जैसा उससे उम्मीद कर रहे थे वैसा स्टैंडर्ड उसका बन गया है। अगर ऐसा है तो ट्रेनिंग पास आउट हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है, अगर दिख रहा है कि ना बेवकूफ है, नहीं सीख रहा है, तो अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रहा है, तो फिर उसको ट्रेनिंग लगातार देते रहेंगे जब तक वो सीख ना ले, और जब तक उसको पोस्ट नहीं मिलेगी जब तक वो ट्रेनिंग पास आउट नहीं हो जाए, ठीक है। इसके अंदर तरह तरह के एग्जाम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में एग्जाम नहीं होते, आप देखो ट्रेनिंग में बकायदा एग्जाम्स भी होते हैं, आपको मतलब क्लियर भी करना पड़ता है और आपको दौड़ाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, अगर आप उसमें फिट नहीं हो तो फिर आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं, पहले ही वो साइन करा के लिखवा लेते हैं,
तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा तरीका है जिसमें ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉय को इवेल्युएट किया जाता है कि जो हम उसके स्टैंडर्ड चाह रहे थे, जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग, क्या वो अचीव कर पा रहा है। अगर अचीव कर पा रहा है तो ठीक, अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर हमें और उसको डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्या है, मतलब डेवलपिंग है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है, उसको रैंक दिया जाता है, उसी के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। फिर आ जाता है बेटा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। जब वो पास आउट हो जाता है तो उसको ऑब्वियसली भेज देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, प्रमोशन, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर पोजीशन टू अ हायर पोजीशन। जब वो अप्रेजल ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, उसकी पोजीशन को और बढ़ाया जाता है, मतलब उसको पोस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, उसका स्टेटस बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, उसको बेटर फैसिलिटी मिलती है, बेटर पेमेंट मिलता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखेंगे आपके मदर फादर या कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी जॉब करता है तो उसको हमेशा जो है एक उसका जो सैलरी है वो हमेशा उसकी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे कई साल बिता देगा तो उसकी जॉब, उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, उसकी फैसिलिटी अच्छी कर देते हैं, बेटर पेमेंट किया जाता है। ये सारी चीजें जो है करियर प्लानिंग के अंदर आती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आप कोई भी पोस्ट बताओ मुझे, कोई एक पोस्ट बताओ जिसमें देखो आप हमेशा देखेंगे उसके अंदर प्रमोशन होता रहता है। कोई पोस्ट बताइए, कोई एक बच्चा लोअर पोस्ट बताओ, बोलो। अब कम से कम कोई पोस्ट बता दो सर। जैसे सब इंस्पेक्टर होते हैं। चलिए ठीक है, एसीपी डीसीपी, समझ गया मैं। सब इंस्पेक्टर होते हैं तो पहले एसएससी का एग्जाम होता है, ठीक है, अब उसके थ्रू इंस्पेक्टर बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सिपाही होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो प्रमोशन होता है, और प्रमोशन होते 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 सब इंस्पेक्टर तक चले जाते हैं, एक बार वो इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं, फिर उसके बाद और भी पोस्ट बनती जाती है। ठीक है, तो वो गैजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आ जाते हैं और फुल गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, डीसीपी तक बन सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है कि सिपाही से कोई डीसीपी बन जाए, बट ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। उसके लिए एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो बहुत चांस है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट से डीसीपी तक बन जाओ। लेकिन पोस्ट, जैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, खुश होके आपका प्रमोशन करा जाता है और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी सैलरी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्लास। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। देखिए कंपनसेशन भी होता है, रिफर्स टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवार्ड्स गिवन टू एम्प्लॉय फॉर देयर वर्क। जो भी वर्क के लिए कंपनसेशन दिया जाता है, मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको दो तरह के कंपनसेशन दिए जाते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर उसकी वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव को बढ़ाया जाता है। इनडायरेक्ट के अंदर जो है उसको इंश्योरेंस का खर्चा, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब इसको दिया जाता है। तो डायरेक्ट वाले में तो सीधा पैसे से संबंधित, इनडायरेक्ट के अंदर पैसा नहीं दिया जाता लेकिन उसको सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे देंगे। अब मेडिकल फैसिलिटी में क्या होगा, कल को अगर वो बीमार पड़ता है तो जिस हॉस्पिटल में भी वो एडमिट होगा वहाँ का बिल का पेमेंट कौन करेगी, ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो ये मेडिकल फैसिलिटी, उसमें पहले उसको बता दिया जाता है कि उसके एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिसमें अगर वो जाके इलाज कराता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी इलाज हो। तो जो टॉप हॉस्पिटल्स होते हैं 10-12 उनका वो लिस्ट में नाम होता है और वो वहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। तो आपने देखा होगा आपके फैमिली मेंबर्स भी, खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सारा खर्चा खुद भरती है। ठीक है, इंश्योरेंस कराना, मेडिकल फैसिलिटी देना, ये सब होता है। आ गया समझ में सबको? ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, मोटिवेट करने के लिए। एम्प्लॉयज से हाईली मोटिवेट होता है। जब एम्प्लॉय को पता चलता है कि भाई मेरा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन करा रही है मेरे बदले, या मतलब एम्प्लॉय को पता चलता है कि अगर वो बीमार हो जाए या कभी उसका ऑपरेशन हो या कुछ भी इस तरह, तो उसका सारा का सारा मेडिकल खर्चा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी, जिस मतलब जो उसका एम्प्लॉयर है वो भरेगा, तो वो हाईली मोटिवेट हो जाता है और बहुत मन से काम करता है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय का मन मतलब उतना अच्छा मोटिवेट नहीं रहता, उसको पता है कि यार कल को अगर वो बीमार हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उसको केयर करने वाला कोई नहीं है, तो वो उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं होगा
ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। आप देखेंगे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, खास करके जो अच्छी कंपनी में कोई क्यों जाना चाहता है, इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि वो लोग सारे फैसिलिटी देते हैं, वो डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं और इनडायरेक्ट सपोर्ट भी देते हैं। तो इसीलिए एज अ स्टूडेंट अगर आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो आप हमेशा चाहेंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चुने जो आपको ये सारी फैसिलिटी कंपनसेशन देती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी क्लास? तो यही था बेटा हमारा जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टाफिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग गलती से निकल गया हमारा, तो ये हमारा स्टाफिंग प्रोसेस है जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे डिटेल में कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले। आज हम इतना ही करते हैं और सारा का सारा आई होप स्टाफिंग प्रोसेस आपको सबको क्लियर हो गया होगा और मैं समझता हूँ सभी बच्चों को एकदम टिप्स पे आ गया होगा ये वाला। तो इसमें मैं समझता हूँ इसमें कोई भी पूछना है तो आप पूछे। ये रहे हमारे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, ये सब हम एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आगे के हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे रिक्रूटमेंट टॉपिक है, सेलेक्शन टॉपिक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलग से टॉपिक, तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, कंपनसेशन भी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेरी है पीछे का, कोई भी डाउट पूछोगे तभी आएगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसको याद हो गए होंगे सारे पॉइंट्स, हैंड रेज करो। तो कोई भी नहीं है, चलो एक बच्चा तो आया मेहनत करके, गौरी भारद्वाज। ठीक है गौरी भारद्वाज, आप बता रही हैं, बताइए। यस सर, बोलो सर। पहला तो हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ओके। देन रिक्रूटमेंट, ठीक है। सिलेक्शन, ठीक है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक। प्रमोशन और कंपेंसेशन, ठीक है। प्रमोशन एंड करियर प्लान, यस। और फिर कंपनसेशन है। तो ये आठ हमारे पास इसके प्रोसेस हैं। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा ना आपसे प्रोसेस, तो आपको ना लाइन से बताने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोसेस अपने आप में स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मतलब पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल होने के बाद डायरेक्टली आपको कंपनसेशन दे दिया जाए, नहीं, आपको पहले प्रमोशन और करियर प्लानिंग ही होगी। तो मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होगा, मतलब सिलेक्शन के बाद, जैसे ही सिलेक्शन होगा तो अगला स्टेप आपका प्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाएगा और आपका ओरिएंटेशन होगा। हाँ, मैंने बार बार बोला है, ओरिएंटेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक घंटे का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना अच्छा ओरिएंटेशन होगा, डिपेंड करता है। बहुत अलग अलग तरीके से ओरिएंटेशन होता है, बड़ा इंजॉय करने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ही ट्रेनिंग हो सकती है, ये नहीं है कि बिना ओरिएंटेशन के आपको ट्रेनिंग शुरू करा दिया और बाद में आपने हाथ खड़े कर दिए, नहीं मैं तो, मेरे को बेकार लग रहा है, मैं नहीं करूंगा ये जॉब। तो भाई आपको कम से कम जानबूझ के ओरिएंटेशन इसीलिए तो होता है कि आप देखो ना आपको क्या क्या सुविधाएं हैं, आप अपने एम्प्लॉयज से बात तो करो, अपने कुलीग से बात करके देखो कि उनको क्या क्या कष्ट हुआ था, क्या क्या सुविधाएं मिली थी, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसीलिए ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म कर सकते हैं ऑन अ गुड नोट, और अगली क्लास में हम लोग रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट है तो यू कैन इज फ्री टू आस्क।